अभी मैं गणेश भाई के साथ में हूँ। गणेश भाई के चैनल का एक बार नाम प्लीज, रन ऑन ट्रैक, रन ऑन ट्रैक, रन ऑन ट्रैक है। तो गणेश भाई मुझे मिले हैं अभी, ये भी पटना से रांची आ रहे हैं। और भी कैसे रांची से फिर कहाँ जाएंगे भैया? रांची से जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी चले जाएंगे जनरल में या नहीं? एसी में जाएंगे, एसी। तो एज अ इंडियन रेलवे हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं दैट वंदे भारत जो एक्सपेक्टेशन है दैट क्लीनिनेस की, वो काफ़ी सही है। मेरे साथ एक भाई है जो ट्रैवल कर रहे हैं रांची मेरे साथ। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं, तो कैसा ब्रेकफास्ट, कैसा लग रहा है आपको? ब्रेकफास्ट तो अच्छा है, वर्थ इट है इसके ट्रेन के हिसाब से, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ दी गई है हम लोग को, मतलब कि वर्थ इट जिसको ब्रेकफास्ट, एक फुल ब्रेकफास्ट खाना होता है, फुल ब्रेकफास्ट के हिसाब से दो पराठे हैं, एक कटलेट है, दो कटलेट जी आपको तो एक ही मिला, कोई बात नहीं। फिर आपको बिस्ती दही है, आपको पुडिंग की जगह ये केक मिल जाएगा, ये डेजर्ट की जगह लॉटो चोको पाई दे दिया है। फिर आपको इसमें इंस्टेंट प्रीमियम टी मिल जाएगा, पाउडर वाली, गर्म पानी अभी ला के देंगे हम लोग को, पानी ला के देंगे अभी हमें। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है, झारखंड में इंटर कर रहे हैं। एंड झारखंड में इंटर करते के साथ ही आप देख सकते हो दैट वादियाँ एंड जो टनल्स हैं, अभी रास्ते में टनल्स भी हमें मिलेंगे कोडरमा जाने के रास्ते में। अमेजिंग। Currently we are at Koderma Junction. Koderma पहुंच गए अभी हम लोग, एंड देन कोडरमा के बाद यहाँ हजारीबाग टाउन ये ट्रेन रुकेगी। तो चलिए, ट्रेन ऑन टाइम है, इट इज़ ऑन टाइम। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे कोडरमा की तरफ निकलते हैं। कोडरमा एंड कोडरमा में भी काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन को लेके, एंड यू कैन से काफ़ी लोग वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट कमर्शियल रन है, दैट्स व्हाई। चलिए इसके अंदर चलते हैं। डिपार्चर जो है, चलिए गेट एक क्लोज हो चुकी है, एंड कोडरमा में काफी 2 मिनट का ही हॉल्ट था, एंड गेट्स वर क्लोज्ड। तो अभी कोडरमा से भी हम लोग आगे की तरफ और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग हैं तिलैया डैम क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज कोडरमा से हजारीबाग के जाने के रास्ते में पड़ती है, एंड यू कैन सी क्या शानदार नज़ारा है, अमेजिंग। झारखंड इसी के लिए तो फेमस है और प्रसिद्ध है, जो भी नेचर के काफ़ी करीब है झारखंड स्टेट, एंड काफ़ी चीज संजोए हुए हैं झारखंड अपने में, एंड तिलैया डैम। सो फाइनली अभी हम लोग हजारीबाग टाउन पहुंच गए हैं, एंड ट्रेन अभी भी ऑन टाइम है, एंड हजारीबाग टाउन से भी ट्रेन निकलने वाली है, हजारीबाग टाउन, और ट्रेन अभी यहाँ से हजारीबाग टाउन से निकल गई है। अब हजारीबाग टाउन से सीधा ये ट्रेन रुकेगी, तो ट्रेन यहाँ से सीधा बड़का खाना रुकेगी। तो चलिए, एंड हजारीबाग टाउन से जो बड़का खाने वाले जाने के रास्ते में काफ़ी अच्छे सीन्स हैं, तो आई विल ट्राई टू कैप्चर ऑल द सीन्स, सो स्टे ट्यून्ड। हाईवे 33 जो कि पटना रांची को जोड़ती है, आप रोड के उस पर आप देख सकते होंगे ग्लास के उस पर, ये जो रोड्स हैं आगे यहाँ पे, ये जो है ये NH 33 है, एंड दैट कनेक्ट्स पटना टू रांची, पटना रांची हाईवे है। और अभी हम लोग उज्जू रेलवे स्टेशन अभी क्रॉस करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये घाटियों के बीच में है, एंड चारों तरफ से पहाड़, और वेदर काफ़ी शानदार हो रखा है, बहुत खूबसूरत है। एंड ये जो हाईवे आप देख रहे हो दैट इज दिस वन, द कार्स जो जा रही है, ये है दैट इज NH 33
जो कि रांची टू पटना ये कनेक्ट करती है, एंड यू कैन सी द बसेस जो कि रोड्स के उस पर है, एंड ट्रेन की जो भी स्पीड है दैट इज लाइक 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड यू कैन सी द हाईवे हमारे साथ ही साथ है, इंडियन ऑयल, एंड ट्रेन यहाँ थोड़ी सी स्लो होती है। अभी रिसेंटली अभी ड्यूरिंग द ट्रायल अभी यहाँ पे कुछ बारिश यहाँ झारखंड में थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो ड्यूरिंग ट्रायल पाया गया कि वहाँ की जो मतलब लैंडस्लाइड टाइप से थोड़ा सा हो रखा था, तो उसे रेलवे ने फिर उसे कंस्ट्रक्ट किया है, तो दैट्स वाई यू कैन सी यहाँ पे स्पीड है थोड़ी धीमी हो रखी होगी, यहाँ पे थोड़ी धीरे ट्रेन क्रॉस होती है। यहाँ पे ब्रिज है एंड दैट इज द कोल माइंस, इधर ओपन कास्ट माइंस है इस साइड पे, आगे के साइड पे, ये साइड पे जितने हैं ओपन कास्ट माइंस है, एंड यू कैन सी यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है काफ़ी वो कम हो रखी है, दैट इज़ नाउ करेंटली दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि यहाँ रीज़न ये है कि आप नीचे आप देख भी सकते हो दैट साइड पे काफ़ी यहाँ पे पहाड़ है, एंड दैट इज़ द हाईवे नेशनल हाईवे 33। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द झारखंड, क्या शानदार नज़ारा है, एंड करेंटली वी आर इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अभी हम लोग रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, एंड नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है कुज्जू स्टेशन है, बट यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, यहाँ से फिर सीधा स्टॉपेज जो है वो सीधा बड़का खाना है, ये रास्ते जो बने हैं यहाँ पे लॉरियाँ आके गाड़ियों पर आके यहाँ पे मिट्टियाँ भरी जा रही थी, यू कैन सी, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये सब सारे अभी रिसेंटली फील हुए हैं, ये जो ब्रिज है दैट इज चौथा नाला, एंड यू कैन सी वहाँ पे एक लॉरी फंसी भी हुई है, तो इस ब्रिज पे रेलवे ने एडवाइजरी जारी की थी दैट ड्यू टू सेफ्टी यहाँ पे थोड़ा धीरे जाने का है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं रांची तक की, काफ़ी अच्छा सफ़र हो रखा है अभी तक का, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जर्नी। अभी हम लोग वंदे भारत पे हैं, एंड इसकी क्लीनिनेस की बात करें तो काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड ट्रेन है, साफ सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इस पर, बीच बीच में आपको हाउसकीपिंग वाले आके वो आपको पिकअप करके कुछ भी आपके जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पिक कर रहे हैं। दिखाना चाहूँगा दैट वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, एंड यू कैन सी दैट इज़ द हैंड ड्रायर ओवर देयर, एंड द सोप डिस्पेंसर यहाँ पे लगी हुई है, एंड काफ़ी एक अच्छा व्यू है, जैसा ऐसा होटल में ऐसा फील हो रहा है दैट आई मीन होटल, एंड ये बायो टॉयलेट है, बायो वेकम टॉयलेट है दैट इज़, एंड दैट इज़ द प्लस, आपको यहाँ प्लस है जस्ट टच प्लस आपको मिलता है, जो कि एक इंडियन रेलवे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वंदे भारत से एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसे ये क्लीनलीनेस पे ध्यान दें, तो बाथरूम क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक अच्छा है, अच्छा पार्ट है वंदे भारत के लिए। अभी हम लोग हैं बड़कागाना रेलवे स्टेशन पे, एंड वंदे भारत हमारी यहाँ पे बड़कागाना रेलवे स्टेशन पहुँच गई है, एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ से रांची की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मिसरा, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज मिसरा है, एंड अब यहाँ देख सकते हैं ट्रेन 10 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है ट्रेन का, तो लोग यहाँ पे उतर रहे हैं, एंड वेदर जो है वो काफ़ी आज खुशनुमा हो रखा है, एंड दैट इज द ट्रेन साइड दैट द C1, C2, C3 एंड दिस वन इज C4, ये मेरा कंपार्टमेंट ये है, मैं थोड़ा पास में ही खड़ा हूँ, दैट अगर ट्रेन कहीं खुल गई या फिर कुछ ऐसा है देन आई कैन मूव आइट जल्दी से मैं ऊपर आ सकूँ, तो एंड यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी हो रखा है पैरेलली, सो चलिए अंदर चलते हैं, ट्रेन ट्रेन के बंद ना हो जाए, तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस वंदे भारत ट्रेन का जो पटना टू रांची सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो
ये लोग आए और इसका जर्नी का मजा ले सके। तो आइए चलते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं, कहीं ट्रेन में ट्रेन की गेट्स ना लॉक हो जाए। तो आइए अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से अभी यहाँ से हम लोग भड़काकाना से निकल चुके हैं एंड करेंटली अभी हम लोग मिश्रा जाएंगे, मिश्रा देन रांची। और अभी हम लोग जो भड़काकाना है वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड बाहर के व्यूज़ मैं दिखाना चाहूँगा, कितने अच्छे व्यू आ रही है। एंड ये वंदे भारत के ग्लास जो है काफ़ी बड़े हैं तो आउटर व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। सो ये अभी हम लोग टनल के अंदर है, ये भड़काकाना टू रांची जाने के रूट में एक टनल आता है, यू कैन सी माउंटेन्स। ये टनल से होके क्रॉस करता है हमारा ये वंदे भारत एंड काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़े हैं, पूरे रास्तों को पत्थरों को काट के बनाया गया है ये रास्ता। ये न्यू रूट है एंड इस रूट पे सबसे ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ये फर्स्ट कॉमर्शियल रन है, मतलब इससे पहले एक दो रन दो ट्रायल हो चुके हैं, एक इनॉग्रल रन हुआ है, बट दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ये जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज़ दी जो हमारे पैसेंजर्स जो नॉर्मल डी में पैसेंजर्स जो हमारे तो जो वो विजिट करेंगे, मैं उसकी जर्नी कर रहा हूँ रैदर देन मैं जो इनॉग्रल रन हुआ था हमारा उसके। इनॉग्रल रन में क्या होता है, इनॉग्रल रन में दैट द मोस्ट द वी वी आई पीज वेयर और जो एक स्पेशल कैटेगरी वहाँ पे होती है वो ट्रैवल करते हैं, तो वो टोटली एक डिफरेंट होता है। बट अभी जो अभी मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ अभी करेंटली, ये नॉर्मल पैसेंजर में नॉर्मल डे में पैसेंजर्स जो हैं हमारे जो भी यात्री हैं वो ट्रैवल करेंगे, वो इस तरह की मतलब ये यही सेम चीज़ें होंगी, सेम सुविधाएं मिलेंगी एंड कुछ ऐसा ही होगा, सेम होगा। तो आज मैं फर्स्ट कमर्शियल रहना है एंड मैं वंदे भारत से पटना टू रांची ट्रैवल कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस इसकी है 380 किलोमीटर एंड इसका जो फेयर है दैट द चेयर कार का है 1025, 1025 रुपये इसका फेयर है चेयर कार का। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव क्लास की तो उसकी फेयर है 2000 समथिंग है, 2150 अप्रॉक्स है। तो अभी हम लोग हैं चेयर कार में जिसकी फेयर है 1025 एंड टोटल देयर वाज सिक्स स्टॉपेज, टोटल छः स्टॉपेज है अगर पटना से रांची के। और इससे पहले जो ट्रेन थी दैट इज़ द सेमी स्पीड, वो भी जन शताब्दी, वो टोटल टाइम लेती थी 7 hours and 55 minutes, मतलब अप्रॉक्स 8 घंटे का वो टाइम लेती थी। एंड उसके स्टॉपेज टोटल है 10 स्टॉपेज, बट उसके रूट डिफरेंट है, वो बोकारो के साइड से होके जाती है, बोकारो थर्मल होके ये कोडरमा से ये हजारीबाग टाउन होते हुए ऐसे आपको भड़काकाना होते हुए जाती है। तो दो अलग अलग रूट्स हैं, जन शताब्दी दूसरे रूट से जाती है एंड जो हमारी ये ट्रेन है वंदे भारत है ये दूसरे रूट से जाती है, कोडरमा से रूट डाइवर्टेड होता है। तो अभी हम लोग हैं एक और टनल देख सकते हैं दैट इज़ टोटली डार्क, ये एकदम टनल्स को मतलब ये रास्ता एकदम रॉ है। अभी इंडियन रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे ने आता है ये जोन में उन्होंने ये रूट को कंस्ट्रक्ट किया है और आप देख सकते हो दैट इज़ द माउंटेन्स के अंदर से वो निकले हैं। एंड आज वेदर भी काफ़ी मतलब खुशनुमा है, वेदर्स की बात करें तो यू कैन सी दैट इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द ट्रेन। पूरी वंदे भारत की सीट की बात कर लेते हैं, सीट की कंफर्टेबिलिटी क्या है, कैसे हैं सीट्स इसके कैसे हैं। तो यू कैन सेट द हैंड आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, आप ऐसे रख सकते हो एंड दैट इज द सीट्स। ये काफ़ी यूनिक है, ये साइड में ऐसे जो एजेस निकले हुए हैं ये जो ऐसे है, या अगर आप सोते हो तो ये आपको किसी दूसरे पैसेंजर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपको ऐसे वो हेड को ऐसे रुकने में ये रहेगा। सीट्स काफ़ी बहुत कम्फर्टेबल है, सीट्स काफ़ी अच्छी है इसकी। जहाँ बात करते हैं तो ये मिल जाता है फ्रंट का, ये आपको ट्रे टेबल मिल जाता है, आप स्नैक्स जो भी है डिनर या फिर वट एवर लंच जो भी आपको मिलेंगे अपने काम की चीज़, लैपटॉप आप काम भी कर सकते हो। और जहाँ तक आज के टाइम पे बात करें लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग का मैं पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा दैट इज़ की पॉइंट, आपको यहाँ पे केबल अगर आपकी ये है आपको USB, यहाँ पे दो USB पोर्ट मिल जाता है एंड वो यहाँ पे चार्जिंग ये है दो पैसेंजर्स के लिए, थर्ड पैसेंजर USB पोर्ट एंड चार्जिंग पॉइंट। तो करेंट टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं मतलब टेक्नोलॉजी को भी मीट करती है ये ट्रेन, क्योंकि अभी तक ये हाईटेक ट्रेन है इंडिया की यू कैन से।
एंड काफ़ी अच्छा मतलब इसके सीट्स एंड मैं अभी चेयर कार में हूँ, दैट इज़ द फेयर ऑफ 1025 फ्रॉम रांची टू पटना। एंड इसके बाद हम लोग ट्रेन है, मैं एग्जीक्यूटिव क्लास का भी एक बार रिव्यू देने की कोशिश करूँगा कि एग्जीक्यूटिव क्लास में कैसे उसके सीट्स एंड ऑल है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अभी हम लोग हैं बड़का काना से, अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं रांची की तरफ। अभी स्टेशन जो आने वाला है नेक्स्ट स्टेशन, इट विल बी मिसरा, मिसरा स्टेशन आएगा। एंड देन अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 होने वाले हैं एंड हम लोग 45 मिनट्स के अंदर ही पहुंच जाएंगे रांची, जो कि पूरी 6 घंटे की जर्नी हमारी होगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट, अगर आपको ड्राइवर से किसी इमरजेंसी में बात करना है तो यू कैन यूज दैट बटन, आप प्रेस करोगे एंड आपको ड्राइवर से सीधा यहाँ से कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो ये बहुत एक अच्छी फीचर है और इसमें चेन पुलिंग नहीं है, चेन पुल आप नहीं कर सकते हो, ट्रेन इमरजेंसी स्टॉप नहीं हो सकती। इमरजेंसी स्टॉप के लिए वहाँ एक उस साइड पर एक बटन दिया हुआ है, दैट इज द, वहाँ आप देख सकते हो दैट इज द रेड ऊपर के साइड है, तो वहाँ बटन आप प्रेस करोगे, आपको ड्राइवर से डायरेक्टली बात होगी। अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो आप ड्राइवर से सीधा यहाँ से ट्रेन ऑपरेटर से बात करके आप उनसे बात कर सकते हो। और वंदे भारत की एक और फीचर है वो मैं दिखाना चाहूँगा, दैट इज द लाइट्स, यू विल जस्ट टैप एंड इट विल गेट ऑन, टैप टैप ऑफ। तो काफ़ी ये अच्छा फीचर है जो कि मतलब आप फ्लाइट वाली फीलिंग आती है, दैट यू आर इन ऑन फ्लाइट, ऐसा मतलब ये लगता है। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द झारखंड, अमेजिंग का रास्ता है इट इज, झारखंड बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। एंड लोग आप देख सकते हैं हाउ द पब्लिक वेयर टेकिंग द पिक्चर्स एंड वीडियो यहाँ के सीन्स के, तो लोग बैठने से ज़्यादा खड़े हैं लोग यहाँ पे। सिस्टम जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज द लाइव डेट टाइम एंड द स्पीड, द स्पीड ओवर देयर, यहाँ पे स्पीड आपको कंटिन्यूस यहाँ पे दिखेगी। करेंटली ट्रेन इज रनिंग ऑन 69 किलोमीटर पर आवर। एंड ये देख सकते हैं पटना रांची, ट्रेन का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। एंड दैट द इनॉग्रेशन जब ऑनरेबल पीएम ने किया था, वंदे भारत का इनॉग्रेशन किया था, वो वीडियोज़ आपको फ्लैश होते रहती हैं। एंड यू कैन सी द, मैं आपको ये सामने से दिखाना चाहूँगा, दैट इज 77 किलोमीटर पर आवर, 80, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। एंड डोर्स विल बी ऑटोमेटिक व्हेन यू विल स्टार्ट क्रॉसिंग, ये ऑटो आपको ओपन हो जाएगा। एंड दैट इज द कैटरिंग पार्ट, यहाँ पे कैटरिंग्स और जो खाने के ये हैं ये सब सारे हैं। एंड दैट इज द एंट्री पार्ट, सारी जगह सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं ताकि दैट द सेंसर ओवर देयर, ऊपर भी सेंसर है ऑटोमेटिक गेट के लिए। एंड गेट्स ऑल्सो, ये भी है जिधर पे गेट के साइड पे होता है, पहले अनाउंसमेंट हो जाती है गेट सीट साइड पे ओपन होने वाला है, तो ये आपको गेट्स ऑटो ओपन हो जाएंगे। करेंटली वी आर एट मिसरा स्टेशन, हम लोग पहुँच गए हैं एंड मिसरा से अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड देन विच विल बी रांची। अभी ये भी पटना से रांची आ रहे हैं, और अभी कैसे रांची से आप फिर कहाँ जाएंगे भैया? रांची से हम जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी चले जाएंगे जनरल में या फिर नहीं? एसी में जाएंगे, एसी में जाएंगे, क्योंकि गणेश भाई की वीडियोस रहती हैं वो आती है। कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा रहा भैया? ये वैसे तो बहुत सारा वंदे भारत की है, लेकिन ये अपनी बिहार की पहली, बिहार झारखंड की पहली वंदे भारत है, तो इसका एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल का है। काफी अच्छी ट्रेन है, गाड़ी की टाइमिंग भी काफी अच्छी है, और इस गाड़ी में जो सफर, लोग जो सफर कर रहे हैं ना, उसमें अपना वाला फील आ रहा है। और ये गाड़ी जिस रूट से होकर जा रही है ना, मतलब प्राकृतिक खूबसूरती भरा पड़ा है। करेक्ट करेक्ट, तो समझ लीजिए जर्नी एक्सप्रेस नेक्स्ट लेवल, ऑसम, वेरी ऑसम, वेरी ऑसम। चलिए, जय हो महाराज, धन्यवाद भैया। अभिमन्यु बैंस, मुझे काफी अच्छा लगा भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए जो वंदे भारत,
पहुंच गए रांची, पहुंच गए हम लोग। जय हो महाराज, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। सारे कंटेंट क्रिएटर है हमारे ये छोटी सी फैमिली। समय से 10 मिनट की लेट पे वंदे भारत ट्रेन पहुंच गई है रांची, एंड आप देख सकते हो टोटल 8 कोचेज हैं, 7 नॉर्मल चेयर कार एंड 1 एग्जीक्यूटिव क्लास। और ये ट्रेन अभी यहाँ से 4:35 में फिर से निकलने के लिए रेडी है, ये ट्रेन पटना के लिए, जो कि रात के 10 बजे पटना पहुंच जाएगी। तो ये रांची पहुंच गए अभी हम, यहाँ से फिर हम चलते हैं आगे। एंड दिस इज द ऑल ब्लॉगिंग सर्वियर आज हुआ में एकदम आपको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। अगर आप पटना से रांची जाते हो, अगर आप रांची से पटना जाते हो तो उसका जो किराया वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको डिनर भी सर्व किया जाएगा। लेकिन लंच होना चाहिए इस ट्रेन में। काफ़ी में लोग उत्साह काफ़ी बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन सी ऑल द कैमराज एंड ऑल द मीडिया कवरेज जो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है यहाँ रांची स्टेशन पे। एंड रांची आने के बाद फर्स्ट टाइम ही आई है ट्रेन यहाँ पे कमर्शियल रन में, तो काफ़ी अच्छी भीड़ है। एंड मीडिया की तो फाइनली रांची पहुंच गए हैं और मैं अभी स्टेशन के बाहर हूँ। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही वंदे भारत की। अगर आप पटना टू रांची ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार वंदे भारत में ज़रूर आएँ। और थोड़ी थोड़ी बरसा भी हो रही है, काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है रांची का। एंड यू कैन सी दिस इज़ द रांची रेलवे स्टेशन एंड दिस इज़ द रांची रेलवे स्टेशन। एंड काफ़ी अच्छी खासी क्राउड हो रखी थी, काफ़ी लोग मीडिया जुटी हुई थी बाहर। एंड चलिए इसी तरह के ब्लॉग्स आते रहेंगे, सो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोग जितने भी अगर पटना टू रांची ट्रैवल कर रहे हो तो वंदे भारत का एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर लें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।